स्पा है जो अब 6 राउंड की कीमत में आ चुकी है और करीब 3000 के आसपास की जो गणना है उसमें पिछड़ी हुई है। शुरू में जो पोस्टल एम्बुलेंट खुला था उसमें लगातार बढ़ती जी मुझे उम्मीद है मैं चुनाव लास्ट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। आ रहा है अब ये शुरू शुरू के रुझान है, इनमें ऊपर नीचे लोग होते रहते हैं, कभी कांग्रेस आ गए कभी बीजेपी आ गए, और अंतिम फैसला आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। अंत भला तो सब भला, जैसे अंत भला तो सब भला, तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी प्रचार किया, डॉक्टर कृष्णा के भाई ने भी उबरदस्त प्रयास किया, क्या मान रहे हो अब तक अपन पिछड़ के आ रहे हैं, इनके लोगों के कितना प्रभाव? ये तो अपडाउन चलते रहते हैं फील्ड में, किसी को विचारधारा के लोग कहीं ज्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, तो वोट उस हिसाब से चलता रहता है। तो अभी हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इस चुनाव में जान तक है अब जो धार भावनाएं भी सामने आई कि लोग की जो परंपरागत सामान्य वर्ग था जो बीजेपी के साथ था उनसे कितना अपमान आपने धर्म यात्रा करने के लिए लोगों के मंदिरों में भी आप गए वहाँ भी डूब गए जितने प्रति आश्वस्त नहीं, ऐसी कोई धार्मिक भावनाएं नहीं है। मैं तो सनातन हूँ तो मंदिर तो जाना ही है, और जो बीजेपी का वोट है मेरे को पूरा मिल ही रहा है, मेरे को 36 को हमने वोट डाला है, इवन देन यहाँ पर माइनॉरिटी का वोट भी मुझे मिलेगा, आप देखेंगे उनके उसमें वार्ड में जाके मुझे वोट मिलेगा। उन्होंने मेरे व्यवहार को दिया है, मेरे काम को दिया है, मेरे आश्वासन को दिया है कि मैं इस देवनगरी को शिक्षा नगरी बनाऊंगा, इसने काम किया है और मुझे जहन होता है और अधिक से अधिक मेरे को वोट डाल। कहीं जब भले ही परिणाम अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बाद में परिणाम किसी का भी होगा, लेकिन आपका भी यही मानस है कि दूसरा विधानसभा में जो सामाजिक समरसता बनी रहे, आपसे भाईचारा बना रहे, विकास के काम हो, तो जैसे आप चुनाव जीतते हैं या वो चुनाव जीते हैं उन्होंने मिलकर किस तरह से इसको दूसरा को आगे ले जाओगे क्या? हाँ हाँ, हमारा दूसरा से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, दूसरा जिला बनाने में हमारा अहम योगदान रहा है। कुंडला जी जैसे जिला प्रमुख और सांसद रहे हैं, लोगों को नजदीकी से देखा है, लोगों के साथ जुड़ाव रहा है और जुड़ाव लगातार रहेगा जारी। परिणाम जीत हार कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं दौसा का विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे हारो चाहे जीतो, लेकिन दौसा विधानसभा के आप प्रत्याशी होंगे, आपकी सरकार है और आप ही की होंगे आपकी सरकार आपके, तो उसके बाद में किस तरह का जो व्यवहार रहेगा, किस तरह लोगों के विकास के काम किए जाएंगे, जो जिन्होंने वोट दिया वो किस तरह से रहेगा, जिन्होंने दिया तो उनका किस तरह से मानना चाहिए? सरकार विकास कार्य करेगी और जो आदमी चुनाव लड़ता है जीत के जाता है तो उसको ये अपने मानस पटल में रखना चाहिए कि मुझे सब लोगों ने वोट दिया है, सर्व समाज का सर्वांगीण विकास एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, उसमें कोई पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये मेरी मानना है। आपने कहा कि दूसरा तो चाहे परिणाम कुछ भी, लेकिन अब इसको शिक्षा अब बनाने का आपने प्रयास किया है, कह रहे हो आप, कह रहे हो तो कितना उसमें क्या क्या किया करवाया जाए? शिक्षा के बारे में अभी हम बैठ के योजना करेंगे, क्या किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे लोगों की बच्चों की कोचिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि इसके प्रति एग्जाम ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। तो जैसे अब आपने कुंडल और सेटल बेल्ट पूरा हो चुका है, दौसा सिटी और नांगल राजा वतान वाला नवान क्षेत्र आएंगे जहाँ पर अक्सर जो बीजेपी के गढ़ माना जाता है कि भैया बीजेपी हमेशा से जीत, अच्छे बीजेपी के समर्थक है, विचारधारा के लोग हैं, तो ऐसा अब 6 राउंड के बाद में बाकी के जो 12 राउंड बचे हैं उसके बारे में जो एरिया बताया जाए नांगल राजा वतान का हुआ, इसमें किस तरह से आगे पाए? अभी तो भविष्य के घर में है, इन मशीनों में क्या कितना बंद है, लोगों ने कैसे वोट दिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे पूरा आत्मविश्वास है, ईश्वर में आस्था है, मैं चुनाव जीतूंगा। तो ये थे हमारे पास भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा, ने कहा कि परिणाम कुछ भी हो चुनाव भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा अभी 6 राउंड तक ही जो मतगणना हुई है, अभी 12 राउंड बाकी है, उनका कहीं ना कहीं ये है कि दोनों प्रत्याशी अपने अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। विश्व आशीर्वाद सच में धड़क।